माननीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी, मुख्य वक्ता आज के कार्यक्रम के और हमारे प्रेरणा स्रोत, आदरणीय ख्याली राम जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, हमारे अध्यक्ष जी श्री सुशील जी, प्रबंधक श्री रजनीश जी, प्रधानाचार्य श्री सोमगी गोस्वामी जी, अन्य बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति, विद्वान शिक्षक गण एवं प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में वापस आया हूँ। आपको बताया गया मेरे परिचय में कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर एवं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई किया, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, सन 75 की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप लोग फंस रहे हैं। हमारे स्वतंत्र भारत का जो काला अध्याय है, 25 जून 1975 आपातकाल मेरे स्मृति में है, क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि इसी विद्यालय से है। मेरे पिताजी अभी मेरे साथ रहते हैं, वो क्षेत्रीय मंत्री थे, उस समय जब मैं पढ़ता था वो प्रधानाचार्य थे, और अभी वर्तमान में वो मेरे साथ में हैं यहीं नोएडा में। अभी लखनऊ गए हुए हैं इसलिए वो आ नहीं पाए, वरना आज अवश्य आते हो। तो जैसा कि बताया, ये सौभाग्य कह लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए, कि मेरी जो बेटर हाफ हैं, पत्नी, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर की हैं, छोटे भाई आए हुए हैं वो भी सरस्वती शिशु मंदिर के हैं, और तो और छोटे भाई की जो पत्नी है वो भी सरस्वती शिशु मंदिर की है। पूरा हम लोग जब बैठते हैं घर में तो पूरा पूर्व छात्र सम्मेलन हो जाता है हमारा, है? अभी इतना मोटिवेटिंग, इतना प्रेरणादायी जो वक्तव्य हमारे डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने दिया है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज का समय, हम स्वतंत्रता दिवस की 77वीं दिवस है और 76वीं वर्षगांठ है, अगर सही बोला जाए तो 76 ईयर पूरे हुए हैं और 77वां वर्षगांठ है, क्योंकि हम 1947 को पहला मानेंगे, इसलिए। तो वो विभिषिका जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, कल का दिवस मनाया गया, इतना ज्ञान लोगों को नहीं था जितना अब बताया जा रहा है। हम लोग सोचते थे बड़ी आसानी से आज़ादी मिली है, लेकिन आपने देखा होगा कल से टीवी पर प्रसारण भी हो रहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, कि लगभग 6 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई विभाजन के टाइम, अफरा तफरी मची, और 40 किलोमीटर लंबा काफिला था, कई लोग बीच में रास्ता पूरा नहीं कर पाए, घर छूट गए, अपने छूट गए। ये बहुत ही विभिषिका थी जो 2 जून 1947 को एक माउंट बैटन के साथ में साइन हुआ, उसके तहत देश हमारा पुनः खंडित हुआ। पुनः मैंने इसलिए बोला, जो हमारे डॉक्टर नरेश शर्मा जी ने नाम गिनाए हैं वो तो बहुत पहले हो चुका था, नेपाल हमसे पहले पृथक हो गया था, श्रीलंका भी पृथक हो गया था, कंबोडिया, अफगानिस्तान पहले जा चुके थे। जो रिसेंट है वो ये है 1947, जो आपको बताया जाता है। उसके बाद में हमारे देश ने क्या प्रगति की है आपके सामने है। स्पेशली मैं आप लोगों को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सभी जो है 21वीं सदी के जनरेशन में आते हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में जन्म लिया है, मतलब 2000 के बाद। आप लोग बहुत लकी हैं जो इस कालखंड में आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समय है उसको अपनी आँखों से उसमें जी रहे हैं, और आप देश का भविष्य हैं। आपने जो एक पैंडेमिक होती है, जो अच्छे लोग नहीं देख पाते, 100 साल में कभी एक बार होती है, वो पैंडेमिक आप लोगों ने देखी है, 2020 में 2019 में जो आई थी कोविड-19, उसको आपने देखा है। तो आपको जो अनुभव प्राप्त है वो अच्छे अच्छों को नहीं है। जो आपने बताया कि देश महान होता है व्यक्ति से, समाज से, तो हमने जो यहाँ पर शिक्षा पा रहे हैं उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको जो शिक्षा मिल रही है, शिक्षा का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता, किताबी ज्ञान नहीं होता, आपने अपने संस्कारों में बदलाव लाना है, क्योंकि हमारा जो समय है घर एवं स्कूल विद्यालय, इसमें बीतता है, तो दोनों में संतुलन बहुत आवश्यक है।
घर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय में जो बताया जाता है किताबी बातें अपनी जगह हैं। अभी हमारे माननीय मोदी जी ने काफ़ी परिवर्तन किया है, जो सिलेबस उसमें भी परिवर्तन आया है और काफ़ी जो चीज़ें जिनका महत्व नहीं है उनको बदला गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो नया पाठ्यक्रम बनाया है आप लोगों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई चैप्टर जो हमारे इतिहास से गायब कर दिए गए थे उनको पुनः डाला गया है और उनको जानना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से भविष्य को संभालने के लिए, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए मुझे भविष्य में क्या बनना है और उसका रास्ता क्या होगा। आज का दिन उचित नहीं है, कभी मैं आपके प्रधानाचार्य जी से समय लूँगा और कभी आपके जो 10th, 11th, 12th के भैया बहन हैं उनके लिए विशेष रूप से समय निकाल के मैं चाहूँगा एक बार इंट्रैक्शन रखना, कभी आऊँगा और आप लोगों से विशेष रूप से मिलना चाहूँगा। अभी हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, जो ये कालखंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 25 साल में हमारा देश जो करवट बदल रहा है उसके आप साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे अगले, जैसे कि बताया गया है कि हमारी अगले 5 ईयर में इकोनॉमी 3rd नंबर पर आ जाएगी। एक हफ्ते के अंदर हमारा जो एक मिशन मोड में चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल होने वाला है, लैंड करने वाला है। G20 को हम होस्ट कर रहे हैं। ये सब उपलब्धियां हैं जो कि हमारी सोच से परे थी। जैसे कि आपने बताया मेरे बारे में, मैंने शिक्षा प्राप्त करी शिशु मंदिर विद्या मंदिर से, उसके बाद में मैंने मेडिकल MBBS किया। MBBS करने के बाद में मैंने तय किया कि देश की सेवा की जाए। देश की सेवा हर व्यक्ति करता है, वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्दी नहीं पहनते हैं वो भी देश की सेवा करते हैं, एक माध्यम है देश सेवा का। तो मैंने ये सर्विस को ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई को नहीं रोका अपनी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान स्टडी लीव लेकर के। मैंने पटियाला से स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक रेयर ब्रांच है, बहुत सोच समझ के लिया। हमारा देश इस समय स्पोर्ट्स में काफ़ी डेवलप कर रहा है। अभी आप लोगों ने जो एक अपनी वो दिखाई थी बहुत बढ़िया झलकी, उसमें स्पोर्ट्स को भी दिखाया गया था, चंद्रयान 3 को भी दिखाया था, क्रिकेट को भी दिखाया था, ओलंपिक को भी दिखाया था। बहुत अच्छा डिपिक्शन था वो, बहुत ही टचिंग। आप सभी बधाई के पात्र हैं, स्पेशली जिन्होंने इसको तैयार करवाया, बहुत बढ़िया अच्छा लगा मुझे। ये मूक नाटिका थी। अभी जो हमारा मेरा माटी मेरा देश G23, एक और आपको बता दूं, वाइब्रेंट विलेज का एक मिशन चल रहा है हमारा देश में। जो हमारे गांव के बॉर्डर पर विलेजेस हैं जो कट ऑफ रहते हैं, मेरी जो सर्विस है, मैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसमें मैंने सर्विस किया है और देश के दूरगामी स्थल लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उसमें काम किया है मैंने। वहाँ पर जहाँ पर कि लाइट नहीं आती, -30 टेम्परेचर होता है, इंटरनेट सोच नहीं सकते आप, वहाँ पर उनको कुछ पता नहीं। आज मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बॉर्डर के गांव के सरपंचों को, मुखियाओं को बुलाया, दिल्ली में बुलाया गया है, वो सब अटेंड कर रहे हैं रेड फोर्ट से कार्यक्रम के लिए। उनको दिल्ली दिखाया जाएगा। वो बेचारे समाज के उस अंतिम पायदान पे खड़े हैं जहाँ तक कोई बात नहीं पहुँचती, कोई योजना नहीं पहुँचती, कोई लाभ नहीं पहुँचता, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है ये। तो आप सभी के लिए एक यही मूल मत कहना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई को बहुत ही जिम्मेदारी से करना है, लेकिन रटना नहीं है। आपने क्या बनना है, भविष्य में क्या करना है, जो भी करना है, पहले मेरा देश है। देश बनता है समाज से, समाज बनता है परिवार से, परिवार से शुरुआत करेंगे। अगर आप, मैंने बहुत एक परिवर्तन देखा, अच्छा लगा। एक बहन जो है यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रही थी, अच्छा लगा, वरना लोग पैसा देते हैं, हायर कर लेते हैं। जापान में जाएंगे वहाँ बच्चे अपना काम खुद करते हैं। ये जो कल्चर है कि हायर कर लेते हैं, हर चीज़ बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं, बचपन से हमें होना चाहिए, किसी बात में झिझक नहीं होनी चाहिए। जापान में बच्चे अपने क्लासरूम को खुद साफ करते हैं, पता है आप लोगों के लिए। तो रोटेशन में काम ड्यूटी लगनी चाहिए, हर एक को किसी काम में वो महसूस नहीं होना चाहिए, बाहर मैन पावर नहीं मिलती है। जो डेवलप कंट्री हैं और हमारी कंट्री में अंतर यही है, हम लोग हर चीज़ को सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है, जबकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। मैंने बताया मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में काम किया, स्पोर्ट्स मेडिसिन की पढ़ाई की, मुझे अच्छा लगा। ये रेयर ब्रांच है,
समाज में आपको सब स्पेशलिटी मिल जाएंगी, ऑर्थो, गायनी, ऑप्थेल, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी। स्पोर्ट्स मेडिसिन रेयर है, ये इंडिया में इतना कल्चर नहीं है, कनाडा में, अमेरिका में, बाहर ज़्यादा इसको समझते हैं लोग। तो इंडियन टीम के साथ मैं बाहर भी गया, 2015 में मुझे वाशिंगटन जाने का मौका मिला, इंडियन टीम के साथ गया था एज ए टीम डॉक्टर। अभी 2019 में चाइना होके आया हूँ। जैसे कि बताया, मैं यूएन मिशन में था, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, उसके तहत मैं एक साल अफ्रीका में रहा। 2010-11 में एक साल मेरा अफ्रीका में, कांगो एक जगह है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ पर एक साल रहा। वो बहुत पुअर कंट्री है, लेकिन यूएन मिशन इसीलिए वहाँ पर क्योंकि वो पुअर है, वहाँ की इकनॉमी ख़राब है, अभी भी कबीला सिस्टम है और पूरा उसको यूएन चलाता है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसा कि माननीय मोदी जी ने बोला है कि अगले 5 साल में हम और डेवलप करेंगे, और मिशन ये है कि 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे तो हम एक डेवलप कंट्री बन जाए। तो डेवलप कंट्री तभी बनेगा जब आप लोग अगले 20-25 साल में जब आप लोग हमारी जगह खड़े होंगे, तभी अपना कंट्री जो है डेवलप कंट्री बनेगा। इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसको बाईपास नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको रोकना है, कोशिश करनी है, खुद तो नहीं करना है गलत, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको रोकना है, या रोकने के लिए रिपोर्ट करना है, कोशिश करनी है, आँख बंद नहीं करनी है, सब कुछ सुधरेगा। बहुत परिवर्तन आया है पिछले 75 साल में, और मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुझे आज लग रहा है कि मैं अपने घर में वापस आया हूँ, और मैं समय समय पर आप लोगों से मिलता रहूँगा। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।